उसके साथ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है कि वो इंजर्ड काफ़ी रहा है अपनी ज़िंदगी में वो अगर आपको पता है कि नहीं रहा और कि उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर थे तो वो उस वजह से भी कभी कभी जो है ना अपना बेस्ट नहीं दे पाता था मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर जितना बड़ा बॉलर था उसने वो फुलफिल जिंदगी ने कहीं ना कहीं क्योंकि जिंदगी है वो डिफरेंट चीज़ें कर देती है आपके साथ आप करना कुछ सोचते कुछ हो, होता कुछ है बड़ा अनफॉर्चुनेट वो सिनेरियो हो गया जब उनका नाम आ गया वहाँ पे उनके जो पाँच साल पीक के थे वो ज़ाया हो गए उन पर बैन लग गए आई थिंक वो उनके पीक का टाइम था जहाँ पे उसके बाद जब वो वापस आए उनको बड़ी फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस जो मोहम्मद आमिर के हम प्लेयर्स या आवाम चाहती थी वो देखने को नहीं मिल रही थी क्योंकि उन्होंने उनकी बैक पे कंपेटिव क्रिकेट नहीं थी तो लोगों ने जो मैंने मिकी थे उनको बहुत पसंद करते थे उन्होंने उनको बहुत चांसेस दिए कि वो अपने रिदम में वापस आए और वो आए भी मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं जो मैंने उनको देखा है बांग्लादेश लीग में अभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड कप में नहीं मोहम्मद आमिर किसी भी टीम के एस बॉलर बनने की यू नो एहलियत रखते हैं बट यू नो गिवन सपोर्ट और सारी चीज़ें जो है ना उनके साथ जिस तरह पहले थी उस तरह हो